नमस्कार दोस्तों, एनबीटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको साउथ इंडियन की फेमस डिश रसम बनाने की एक आसान सी रेसिपी दिखाने जा रहे हैं। आप इस साइड डिश को पुलाव या फिर प्लेन चावल के साथ भी बना सकते हैं। आप इडली के साथ भी इस टेस्टी डिश को एंजॉय कर सकते हैं। ये डिश आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी। तो आइए जानते हैं इसे बनाने की एक आसान सी रेसिपी। रसम बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक चम्मच तेल गर्म करें। अब इसमें 8 से 10 सूखी लाल मिर्च डालें। इसके बाद एक चम्मच जीरा और एक चम्मच मेथी दाना। इसके बाद धीमी आंच पर कुछ देर सभी इंग्रेडिएंट्स को भून लें। अब पतला पाउडर बनाने के लिए सारी सामग्री को मिक्सी में पीस लें। अब एक पैन में थोड़ा तेल लें, इसमें एक चम्मच राई डालें, फिर एक चम्मच जीरा और इसके बाद एक चुटकी हल्दी पाउडर। अब इसमें कुछ करी पत्ते डालें। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से भून लें। अब एक बाउल लें और इसमें भिगोई हुई इमली का पानी डालें। आप जितना खट्टा खाना चाहें उतनी ही इमली का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 चम्मच गुड़ पाउडर, 2 के हिसाब से नमक और 1 कटा हुआ प्याज डालें। अब थोड़ा पानी डालें और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिला लें। अब इसमें लाल मिर्च के पाउडर को मिक्स कर लें, जो हमने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। आखिर में करी पत्ते वाले तड़के को ऊपर से डाल दें। आपका रसम तैयार है। आप इसे गर्म पुलाव या चावल के साथ परोस सकते हैं। इडली के साथ भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप सांभर खाते खाते बोर हो गए हैं तो चेंज के तौर पर इस रसम को ट्राई कर सकते हैं। तो रसम की ये टेस्टी और आसान सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी व्यूज जरूर बताएं और ऐसी ही दूसरी टेस्टी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें NBT।